नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं बबलू भाई के पास में, जो कि गांव मुबारकपुर और जिला झज्जर। झज्जर है? झज्जर सर, झज्जर। अच्छा, इधर पीछे कोसली बिल्कुल पास में है आपके? हाँ सर। और हरियाणा से हैं? हाँ सर। काफ़ी बढ़िया बढ़िया बकरियां ले रखी हैं? हाँ सर। सारी सोजत नस्ल में है? हाँ सर, सारी सोजत नस्ल में। कितनी बकरियाँ हैं ये हैं सर? मेरे पास अभी 20 बकरियाँ हैं और एक ब्रीडर है। ब्रीडर है? कब से अपने पास है ब्रीडर? ब्रीडर तो सर ये अभी बम्बई से मंगवाया है। अच्छा, कितने दिन हो गए इसको? हो गए सर अभी 6-7 महीने हो गए सर अभी। तो रिजल्ट आया है इसका? रिजल्ट अभी तो नहीं आया सर, आने वाला है सर अभी। अच्छा, कितनी हाइट में होगा? हाइट तो सर इसकी 43 इंच हाइट है सर। 43 इंच हाइट है। कितने दांत में? और दांत तो सर अभी 8 दांत कंप्लीट है। और कान की लंबाई सर इसकी 16 इंच है। कोई सपोर्ट है? नहीं सर, कोई सपोर्ट नहीं है, वाइट आइज में है। बिल्कुल वाइट आइज में है। 43 इंच हाइट में? हाँ सर। काफ़ी हैवी बच्चा है ये। महाराष्ट्र में सर 3 बार चैंपियन रहा हुआ है सर ये। अच्छा, पैरों की मोटाई देखो भाई, बहुत बढ़िया मोटाई है। और एक बार थोड़ा सा आगे करो इसको, ज़रा सा। हाँ, काफ़ी बढ़िया विकसित सीना है, काफ़ी चौड़ा सीना है भाई। इस वाली बच्ची को थोड़ा एक बार पीछे करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया सीना का बच्चा, बहुत हैवी स्ट्रक्चर में है, पैर काफ़ी मजबूत हैं, बहुत बढ़िया विकसित टेस्टिकल्स है। कब से है शौक बकरियों का? सर मेरे को अभी 7 साल कंप्लीट हो गए सर। हाँ, तो सोजत कब से रख रहे हो? ये शुरू से सोजत है सर मेरे पास अब। अच्छा, तो शुरुआत में जैसे आते थे हम तो हल्की बकरियां होती थी, कमजोर टाइम पे सर मैंने शुरुआत ही की थी, उस टाइम पे इतना की नॉलेज नहीं था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज होता गया और ये मान ले बढ़ोतरी होती गई इनकी। और ब्रीडर भी काफी बढ़िया ले रखा है। हाँ, पहले तो वाला ब्रीडर भी बढ़िया था, लेकिन ये उससे भी जोरदार है। हाँ, वो सर वाइट आइज में नहीं था, ये वाइट आइज में सर। यानी कि ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान है? हाँ सर। हाँ, तो बबलू सेल परचेज का काम भी करते हो क्या? नहीं सर, हम तो सर अपनी बकरियों के बच्चे ही मतलब की सेल करते हैं सर, बाहर से नहीं लाते सर। अच्छा, यानी कि पूरी तरह से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, अपने ही फार्म के बच्चे सेल करते हैं, बाहर से खरीदा बेची वाला काम नहीं करते हैं। और एक बात तो हमने भी देखी है बबलू के फार्म पे कि जैसे ही 1-1.5 साल होता है तो ब्रीडर चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया विशेषता है भाई एक ब्रीडिंग सेटअप पे चलाने के लिए। अगर वही बच्चा लगातार चलाते रहेंगे 2 साल 3 साल 4 साल और फिर उसी का ही बच्चा आगे ब्रीडर बना लेते हैं कुछ लोग, तो वो फार्म आगे तरक्की इतनी कर नहीं पाएगा। इसलिए भाई देखो भाई, काफ़ी बढ़िया बढ़िया बकरियां हैं। तो भाई एक बार अपनी बकरियां और दिखाओ ज़रा, ब्रीडर काफ़ी बढ़िया है आपका, बकरियां भी दिखाओ। थोड़ी सी जगह की कमी है बबलू भाई के पास में, थोड़ा सा खुला एरिया कम है। ये बकरी वाइट आज में है सर, कब से है अपने पास? ये तो सर अभी मेरे पास हो गया, साल भर हो गया सर इसको भी। साल भर हो गया है। कितनी उम्र में होगी ये सर? अभी 8 दांत किए हैं इसने। 8 दांत कर लिए हैं? हाँ सर। सींग एक टूट गया है और दूसरा? ये सर जैसे नई बकरी आती है दूसरा तो भी तो थोड़ा सा हो रखा ये, है। हाँ, ये करना पड़ेगा सही सर। हाँ हाँ, अच्छा, ये लड़ती है ना आपस से? हाँ, नई बकरियां आती है ना जी, जी। तो ये लड़ पड़ती हैं फिर। तो कैसा एक्सपीरियंस है सोजत का? सर सोजत एक अच्छी ब्रीड है सर, जो भी किसान भाई मतलब कि फार्मिंग करना चाहता है तो उसके लिए सोजत ब्रीड बहुत अच्छी है। ईद पे भी बच्चे मतलब कि अच्छे जाते हैं। हाँ। और हमने सुना है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है और बकरियों के मुकाबले में, इस बारे क्या कहोगे? ग्रोथ भी सर वो तो मान ले जैसे भाई चराने पे बात है। अब ये जैसे मेरे पास ब्याई हुई है ताजा, तो ताजा बकरी ब्याती है तो वो तो थोड़ा कमजोर होती है सर। हाँ, नहीं तो जैसे अपनी बकरियां स्टॉल फीड पे रहती हैं या बाहर जाती हैं चरने के लिए? नहीं, ग्रेजिंग पे रहती हैं सर। अच्छा, और घर पे? घर पे तो सर बहुत कम मतलब कि दाना बहुत कम मिलता है सर।
मैं तो ग्रेजिंग पे रखता हूँ सर बाहर। हाँ। अपने पास कितनी बकरियाँ ब्याई हुई हैं? अभी तो सर मेरे पास बकरियाँ 6 बकरियाँ 7 बकरियाँ ब्याई हुई हैं। हाँ। और बाकी की ब्याने वाली और है? ये सर ब्याने वाली हैं। अच्छा, तो बच्चे वगैरह किस रेट में बिक जाते हैं अपने? बच्चे तो सर जैसे मान ले कोई फ़ोन करता है तो उसके हिसाब से बताई जाती है। नहीं, फिर भी लगभग अंदाजे से कि क्या रेंज रहती है अपने बच्चों की, कितने रुपये तक बिक जाते हैं? बच्चे की रेंज तो सर जैसे मान ले मेल है वो 10 का है, फीमेल है वो 8 की है। 8-10 हज़ार रुपये में सोजत नस्ल के बच्चे मिल जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, अपनी कितनी बकरियाँ हैं जो इस वाले ब्रीडर से प्रेगनेंट हैं अभी? अभी तो सर मेरे पास 6 बकरियाँ हैं जो इससे मतलब की ब्याने वाली हैं 15 दिन में 20 दिन में। अच्छा, और बाकी कुछ बकरियाँ अभी लोड हो रही हैं तो वो मान लीजिए जैसे कुछ टाइम लेट भी आएंगे अभी। अच्छा, तो बबलू अपने पास इनमें से कोई बकरी सेल के लिए भी है? सेल के लिए तो नहीं है सर इनमें बकरियाँ कोई भी, लेकिन कोई किसान भाई अगर मान ले शौक करना चाहता है तो उसको 2 या 4 बकरियाँ मतलब कि हम दे सकते हैं। अच्छा, जो शौक करना चाहता है उन्हीं को मिलेंगे सर। जैसे आगे अपने फार्म पे बच्चे आने वाले हैं तो हाँ बच्चे सेल के लिए होंगे? हाँ, बच्चे सेल के लिए होते हैं सर मेरे पास। हाँ। होलसेल का काम होता है तो बच्चे तो सर सेल के लिए होते हैं मेरे पास। अभी कितने मेल फीमेल बच्चे हैं अपने पास में? अभी तो हैं सर मेरे पास 6-7 बच्चे हैं अभी मेरे पास। जैसे ये बच्चे हैं? हाँ, ये सर कितनी एज के हैं? कितनी एज के हैं बच्चे हैं? ये सर कोई 5 दिन का है, कोई 7 दिन का है, कोई 10 दिन का है बस। कितनी उम्र पे सेल करोगे इनको? ये सर कम से कम 2.5 महीना 3 महीना तक। तो चलो बबलू भाई, अगर किसी शौकीन आदमी को बकरी चाहेगी 2-4 तो आपसे संपर्क कर लेंगे, और बच्चे जैसे कि आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं तो आपसे संपर्क कर लेंगे उस बारे में। ठीक है सर।